भाई इन चीज़ों में कंफर्ट वगैरह नहीं मिलेगा आपको, कंफर्ट ये तो भाई शौक की चीज़ है बस। बातें फॉर्च्यूनर में भाई आपने क्या सोच कर डलवा दी, मतलब फॉर्च्यूनर में तो लोग ऐसे रखते हैं ऐसे चलाते हैं भाई, पसंद थी चीज़ तो डलवा ली भाई। एक काम वगैरह क्या है आपका, जैसे आपने मतलब इतने पैसे गाड़ी में लगा रखे हैं 2.5 लाख रुपए, इसमें अलग डलवा रखे हैं भाई, हम तो किसान आदमी है देखो कि वही भाई कुछ जो कहते हैं किसानों पे इतने बड़े बड़े टायर लगा घूमते, तो वही वाली बात आपने सही कर दी भाई। है भाई देख रहे हो सामने फॉर्चुनर खड़ी है, मतलब फॉर्चुनर तो आपने बहुत देखी होंगी, तो आज कुछ स्पेशल दिखाने वाले हैं आपको। वही एलॉय वगैरह डला रखे हैं भाई ने, काफ़ी अल्टीमेट मॉडिफाई कर रखी है। पहले तो आती इतनी महंगी फॉर्चुनर, फिर उसमें लोग बहुत कम एलॉय डलवाते हैं, तो भाई ने डलवा रखे हैं इसमें जो भी है 22-24 इंची, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूँ भाई सुमित चंदीला और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं भाई देर ना करते हुए, एक बार भाई से जानते हैं इसके बारे में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रखी हैं। कंप दिया रूहा बिल्लो हारन वाले मैं देने वर्गे ही पाड़ हिक चौड़ी करके भी जित तुरे नाल नाल भाई। बढ़िया भाई, भाई एक बार अपना शॉर्ट इंट्रो हो जाए, कहाँ से हो, नाम वगैरह। भाई नोएडा से हूँ, मनीष अवाना नाम है। मनीष अवाना, तो भाई फॉर्च्यूनर जो अपनी कौन सा मॉडल होने वाली है भाई? 2023 है। 2023 और वेरिएंट वगैरह भाई? 4x2 मैनुअल। डीजल ही है? डीजल ही। हाँ तो भाई कितने की ली थी आपने उस टाइम? अजी ये भाई उस टाइम पड़े थे 43 के समथिंग पड़ी थी। 43 के समथिंग। तो भाई मतलब इससे पहले कोई और सी गाड़ी भी देख रहे थे आप या डायरेक्ट फॉर्चुनेटली जैसे इंडियावर आती है? इंडियावर तो उस टाइम बंद हो गई थी भाई, देखी थी पर कोई समझ नहीं आई कोई गाड़ी और, मतलब डायरेक्ट वही फॉर्चुनर करो तो भाई अलग है भाई। तो फॉर्चुनर ले ली डायरेक्ट जाके। इससे अलावा कौन कौन सी गाड़ी है भाई घर में? भाई इसके अलावा और भी गाड़ी है घर में, तो ऐसे और भी है अपने छोटे टाइप के, एक ग्लेंजा भी ले रखी है, टोयोटा ग्लेंजा। अच्छा मतलब एक ग्लेंजा है एक फॉर्चुनर है। हाँ जी भाई। तो भाई चलो ये सब चीज़ें तो होगी, पहले इसकी मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं भाई। इसमें एलॉय जो कितने इंची होने वाले हैं? ये भाई 24 है इसमें। 24 है तो इनकी प्रोफाइल दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ चेक नहीं होगी भाई, प्रोफाइल नहीं आती इनमें भाई, ये टेपिंग करा करके नीचे। तो एलॉय वगैरह ये तो चाइनीज है भाई? भाई एलॉय तो अधिकतर चाइनीज ही आते हैं। हाँ वो साइज इतना बड़ा है, इतना बड़ा साइज तो भाई चाइनीज में मिलेगा। हाँ तो इनका प्राइस वगैरह क्या रहा था? ये भाई मुझे पड़े थे 230-240 के समथिंग पड़े थे। 230-240 के। हाँ। भाई जैसे लोग बताते हैं कि 24 इंची है ना? 24 है भाई। लोग बताते हैं कि 3 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे बोलते हैं, 24 इंची अलग 26 इंची अलग आते हैं भाई। देखो सब जगह रेट के जो है डिफरेंट मिलेंगे, कहीं भी चले जाओ, करोल बाग चले जाओ, लाजपत नगर चले जाओ या फिर अदर चंडीगढ़ वगैरह चले जाओ, सब जगह रेट अलग मिलेंगे भाई, सब जगह के रेट अलग अलग होते हैं। तो मतलब आपको कहीं हद तक सही पड़ गए? हाँ जी भाई। तो भाई जो स्टॉक आए थे वो? जो स्टॉक आए थे भाई वो तो मैंने सेल कर दिए। वो कितने के सेल हुए थे भाई? वो भाई 40,000 के सेल करे थे मैंने। 40,000 मतलब तो घने सस्ते चले गए भाई उस हिसाब से तो। अब भाई जो है गाड़ी के साथ वाले अलॉय तो भाई रीसेल वैल्यू मिलती नहीं उनकी। अच्छा हाँ जी। तो भाई काम वगैरह क्या है आपका, जैसे आपने मतलब इतने पैसे गाड़ी में लगा रखे हैं 2.5 लाख रुपए, इसमें अलॉय डलवा रखे हैं? भाई हम तो किसान आदमी है देखो कि वही भाई जो कहते हैं किसानों पे इतने बड़े बड़े टायर लगा घूमते, तो वही वाली बात आपने सही कर दी भाई। है हाँ भाई तो किसान आदमी है। तो भाई फ्रंट में बताओ, फ्रंट में क्या क्या करा रखा है? सबसे पहले नंबर की बात करते हैं भाई, नंबर जो आपने रखा है UP16DP33777, ये खरीदा हुआ नंबर भाई? हाँ भाई परचेज किया है। तो इसका प्राइस वगैरह क्या रहता है? 77 आ रहा लास्ट में ये भाई मुझे पड़ा था 30,000 के समथिंग पड़ा था। तो भाई फ्रंट में ये आप लाइट वगैरह लगा रखी हैं, यहाँ पे मॉडिफिकेशंस का पार्ट है, और कुछ करा रखा है भाई फ्रंट में इसमें? भाई रूट्स का हॉर्न है अपना, हूटर वगैरह है। हूटर वगैरह लगा रखे हैं? हाँ जी भाई। तो हूटर में क्या 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 बाल्टी होने वाली है भाई? टोटली इसमें 5 लग रही है। 5 बाल्टी। एम्प वगैरह? 4 एम्प है। 4 एम्प है। तो ये तो सब कंपनी से स्टॉक ही है, लाइट्स वगैरह जो इसकी प्रोजेक्ट आती है, एलईडी लाइट्स काफी जबरदस्त सब चीज स्टॉक है भाई। अच्छा तो भाई एलॉय की बताओ, एलॉय जैसा आप चला रहे हो, कितनी चला दी अब तक गाड़ी आपने? भाई ये चल गई 16,000 चल गई। 16,000 चल गई। तो इन एलॉय पे कितना एवरेज वगैरह निकाल के दे दिया आपको? भाई इन एलॉय पे वही 10 वर्ष का दे रही है लास्ट कैच के 10 का। और जो कंपनी के स्टॉक आते थे उन पे कितना दे देती थी ये? भाई उनकी तो देखो बात ही अलग है, उनकी तो ज़्यादा देती थी उन पे तो। हाँ मतलब लमसम उन पे 15-16 का दे देती थी
वो लोग बोलते हैं फॉर्च्यूनर 15 तक का एवरेज देते हैं। भाई मैंने उसे लिखाट रखा था 13.5-14 लिखाट रखा था। 13.5-14 तो भाई जैसे अभी ना चला रहे हो तो मतलब चलने वगैरह में कम्फर्ट वगैरह कैसा है इसका? भाई इन चीज़ों में कम्फर्ट वगैरह नहीं मिलेगा आपको, कम्फर्ट ये तो भाई शौक की चीज़ है, बस शौक के लिए डलवाए बस बस भाई। मतलब वही है जैसे बताते हैं लोग वाइब्रेशन वगैरह आ जाती है गाड़ी में फिर? हाँ भाई वाइब्रेशन हो है, 80 पे जाके स्टेयरिंग वाइब्रेट होने लगता है, क्योंकि जैसे गाड़ी देखने में नो डाउट अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है, एकदम मस्त लग रही है, लेकिन जब डलवाते हैं और फिर गाड़ी को चलाने में जो कम्फर्ट होता है ना वो काफ़ी मतलब बेकार हो जाता है। भाई देखो शौक वाली चीज़ है तो इसमें तो कोई वो ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो भाई जैसे 24 इंची फॉर्चुनर आपने मतलब कितनी गाड़ी देखी है नोएडा ग्रेटर नोएडा एनसीआर में? भाई मैंने तो फिलहाल तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में तो देखी नहीं है। हाँ देखी है तो कोई अदर अलॉय देखे है। हाँ मतलब ये वाले नहीं देखे, ये वाले अलॉय नहीं देखे। हाँ जी भाई मतलब वो ये बहुत कम लोग डलवाते हैं फॉर्चुनर में। भाई आपने क्या सोच के डलवा दी, मतलब फॉर्चुनर में तो लोग ऐसे रखते हैं ऐसे चलाते हैं। भाई पसंद थी चीज़ तो डलवा ली भाई, पसंद भाई को शौक पहले से ही है। हाँ तो ये चीज़ है, जैसे भाई हाईवे वगैरह पर चलाते हो तो मतलब कितनी स्पीड तक मतलब कंफर्टेबल चलती है गाड़ी ऐसे हलना वगैरह वाइब्रेट? भाई 60-70 तक चलेगी बढ़िया। हाँ। उसके बाद वाइब्रेट होने लगती है स्टेयरिंग वगैरह जो है। तो ये अड़ रहे हैं कहीं इसमें? भाई अड़ते जब गाड़ी मोड़ते हैं तो अड़ते प्लास्टिक में उधर। अच्छा हाँ जी कई बार इधर से भी अड़ता है पीछे की साइड से। अच्छा तो भाई बहुत संभाल के चलानी पड़ती होगी फिर तो? भाई बहुत ज़्यादा संभाल के चलानी पड़ती है। अच्छा जैसे अब मतलब क्या कितने लोग बैठ के जा सकते हैं इस गाड़ी में, जैसे इसमें एलो डलो डाल रखे हैं? भाई बैठने का कोई वो नहीं है, बैठने के लिए तो कोई कितने बैठ जाओ। हाँ उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस वही मतलब आराम से चलानी। हाँ। पड़ेगी संभाल के, बस वो है भाई कटिंग वगैरह में ज़्यादा आती है। अच्छा तो जैसे भाई बहुत से लोग गाड़ी देखते हैं आपकी गाड़ी अच्छी लग रही है नो डाउट देखने में, अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए सोचते हैं फिर वो, तो उन भाइयों को क्या बोलना चाहोगे कि एलॉय वो भाई डलवाएं जो मतलब स्लो चलाते हों या केयर कर सकें, क्या बोलना चाहोगे एलॉयज के बारे में आप? भाई देखो जो भी कोई डलवाने की सोच रहा है या फिर जैसे भी है मन बना रहा है, हाँ मन बना रहा हो तो भाई अपने रिस्क पे ही डलवाना, अपने रिस्क पे, क्योंकि भाई ये चीज़ें बहुत सेफ्टी के साथ चलाई जाती है। वो ये भाई ये मतलब केयर करनी पड़ती है इन चीज़ों की। हाँ जी भाई बहुत केयर से चलानी पड़ती है ये भी एक घोड़ी है, मतलब एक तरह से डेली पे वो मानना पड़ेगा आपको, केयर करनी पड़ेगी। तो भाई इस शीशे वगैरह टिंट करा रखे हैं आपने, ये सब चीज़ तो हम रिकमेंड करते नहीं है, कैसे मैनेज कर रहे हो भाई ये सब चीज़ें? भाई बस शौक है, अच्छी लगती है देखने में। कुछ भाई धूप में मतलब रहा नहीं जाता, जो धूप आती है ना वो बिल्कुल सहन नहीं होती धूप। हाँ शीशे बड़े बड़े शीशे हैं इसके तो थोड़े से दिक्कत करते हैं। तो भाई इंटीरियर में कुछ करा रखा है आपने, जैसे रियर से देखते हैं पहले एक बार इसको, रियर में कुछ भाई चीज़ें जो मॉडिफिकेशन का पार्ट हो? भाई ये रिफ्लेक्टर लगवा रखा है मैंने। लगवाएं तो इनका प्राइस वगैरह क्या रहता है भाई? भाई मुझे 1500 के पड़े थे, 1500 के। अच्छा 1500 के। तो ये पेटी वगैरह लग रही है देखो इसमें भाई, मतलब ये साइज बनी बनाई आती है आपने नाप के बनवाई थी? ये भाई मैंने साइज के हिसाब से बनवाई थी। साइज के क्या क्या लगा हुआ है इसमें? सोनी के स्पीकर लगे हुए हैं, एक भाई बूफर है 1000 RMS का। हाँ ये भाई 4 चैनल का एम्प है, यहाँ पे एम्प लगा हुआ है साइड में ही देखो, मतलब फिटिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है भाई। कहाँ पे लगवाए थे ये भाई? अपने नोएडा में लगवाए थे मैंने, नोएडा में लगवाया था। तो इनका प्राइस वगैरह क्या रहा था? ये भाई मुझे पूरा पड़ा था 25,000 के समथिंग पड़ा था ये सारा। 25,000 मतलब साउंड भी ठीक है इसका? हाँ भाई साउंड भी बढ़िया है। हाँ। भाई एक बात और बताओ, जैसे लोग फॉर्चुनर की बुराइयाँ करते हैं कि फॉर्चुनर क्या है, फॉर्चुनर मतलब इंडेवर को ज़्यादा इंडेवर हाइप बनी हुई है, अब इंडेवर आ रही है, तो आप फॉर्चुनर के बारे में और इंडेवर के बारे में कुछ अपनी बात बताओ जो आपको लग रही हो। देखो भाई फॉर्चुनर अपनी जगह है, हाँ इंडेवर अपनी जगह है। लोग बोलते हैं कि इंडेवर काफ़ी अच्छी गाड़ी थी, लोगों ने फॉर्चुनर को वैसे ही हवा बना रखी है। भाई दोनों चीज़ को देखो कंपेयर करोगे। हाँ। तो दोनों चीज़ में डिफरेंट बहुत मिल जाएगा। हाँ कि उसमें उसमें फीचर कुछ अलग है, इसमें अलग है। इसमें बोलते हैं कि फीचर्स वगैरह तो कुछ आएंगे नहीं, बस वही स्टेयरिंग भी इसका पावर ही आता है, जैसे स्कॉर्पियन का भी इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग आ गया है। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब अफवाहें हैं, लोग बोलते हैं फॉर्चुनर ही है बहुत से, फिर जैसे भाई आप आपके पास फॉर्चुनर है, आप कहोगे भाई फॉर्चुनर है? भाई देखो इसका तो नाम चल रहा है, एक जैसे ब्रांड रहता है ना। हाँ ब्रांड कितना ही महंगा हो जाए या उसमें कुछ मतलब चीज़ भी अच्छी नहीं मिले पर ब्रांड का नाम ही रहता है, ब्रांड ब्रांड। हाँ, ही ब्रांड। तो पहाड़ वगैरह पर जा लेके गए हो अभी तक इसको? नहीं लेके भाई गया था एक बार। तो मतलब सही कंफर्टेबल है कोई दिक्कत? हाँ भाई सही कंफर्टेबल है, अगर आराम से चलाओगे तो भाई कंफर्टेबल है, अगर वैसे चलाओगे तो कंफर्टेबल नहीं है। तो टोटल पैसे कितने लगा दिए आपने इसमें? भाई इसमें लग गए 3+ ही लग गए।
तीन प्लस पर दो तीस के तो अलॉय अलॉय हो गए। हाँ भाई, प्लस बाल्टी हूटर वगैरह, मतलब ये और आपके एम्स वगैरह लग रहे हैं, तो मतलब भाई इतने पैसे आपने लगा रखे हैं, घर वाले कुछ नहीं बोलते कि मतलब क्या मॉडिफिकेशन इतनी क्या करनी है इसमें? भाई सुन लेते हैं घर वालों की और क्या करें। जैसे भाई मैं अभी इसमें से उतरा था ना, बैठा था, मतलब अगर इस पे पैर नहीं रखेंगे ना तो इस पे आराम से चढ़ा भी नहीं जा रहा है, इतनी ऊंची हो चुकी है। तो घर वाले मतलब ये चीज भाई इस वजह से मैंने फुटरेस्ट लगवा रखे हैं। हाँ, ये चढ़ा नहीं जाता इसमें। मेरी हाइट 6 फुट है, मैं अगर डायरेक्ट उतरता हूँ, मतलब जैसे डायरेक्ट उतरा पैर नहीं रखा था उस पे, तो मतलब बहुत ऊंची लग रही थी, चढ़ने में दिक्कत होती थी। भाई ऊंची तो होगी, देखो ऊंची तो है ही बिल्कुल भाई, बिल्कुल सब चीज मतलब एकदम ढंग लग रही है गाड़ी में, किसी चीज की कमी है नहीं, सिस्टम से लेके अलॉय से लेके मतलब गाड़ी पूरी लोडेड है। तो बताओ जैसे मतलब आप गाड़ी को लेके जाते हो, रिएक्शन कैसा आता है लोगों का? भाई रिएक्शन बहुत बढ़िया है गाड़ी में, मुड़ मुड़ के देखते होंगे लोग। भाई मुड़ मुड़ के देखे, बहुत से तो फोटो वीडियो बनावे हैं, फोटो वीडियो बनाते हैं, मतलब एकदम तकड़ी लगती है देखने में, वीडियो वगैरह में पता नहीं चल रही है। और एक चीज़ दिखाऊं, भाई ने नज़र ना लगे इसलिए यहाँ पे अपना काला धागा लगा रखा है, देखो धागा वगैरह बांधते हैं ना, तो क्यों भाई नज़र वगैरह लग जाती है इसमें? नज़र लगती है बहुत ज़्यादा, नज़र लगती है। ये भाई की गाड़ी काफ़ी अल्टीमेट मॉडिफाई कर रखी है भाई ने, मतलब 3-3.5 लाख रुपये इसमें लगा रखे हैं, और अभी 15-16 हज़ार किलोमीटर चलाई भाई। भाई हाँ 15-16 हज़ार चली है, 15-16 हज़ार किलोमीटर चली है, और एलॉय भी जल्दी डलवाए हैं भाई। तो मतलब ये चीज़ है फॉर्चुनर फुल्ली मॉडिफाइड, आपने देखी, और भाई की इंस्टाग्राम आई डी बता देता हूँ, क्या नाम से भाई आपकी? भाई पीछे मनीष सवाना के नाम से यहाँ पे डली हुई है, देख लेना भाई को, जाकर फॉलो करो और रील्स वहाँ पे जाके ज़बरदस्त देखो इसकी। तो मुझे फॉलो कर लेना, मेरी भी आ रही होगी भाई नीचे इंस्टाग्राम में हैंडल, और बताना इसके बारे में कमेंट्स में कैसी लगी वीडियो। ठीक है, चलो भाई कैसी लगी हमारी वीडियो बताना कमेंट्स में, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।